हम अपने आप को सुधार लें तो जीवन सार्थक हो जाए। अपने आप जीवन अपने आप सुधर सकता और भगवान की वो भक्ति जीवन को सवार सकती। इस मन से आप भगवान को याद करो वो मिलेगा। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। हिचकाना रोके गोपाल, हिचकाना रोके गोपाल, मने थारी याद सतावे। दोनों हाथों से प्रेम से तुम अरश दिखाओगा। बाकी
सतावे भर घड़ी आवे याद सतावे भक्ति के बिंदु से भगवान की शरणागति का जो सुख होता है वो जीवन को सार्थक कर देता है। कल कथा में अपन ने श्रवण करा, रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण लेकर गए। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, चारों अवस्था रुक्मणी ने भगवान को समर्पित कर दी। चारों अवस्था रुक्मणी जी भगवान को दे रही। बचपन भी रुक्मणी ने भगवान को दिया, भगवान की याद में ही रहती है। और बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा ठाकुर चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। मनुष्य ने जिसको चुना वो संसद में जाकर बैठ गया, और जिसको मेरे भगवान ने चुना वो सत्संग में जाकर बैठ गया। यहां पर बैठने की भी आदत वही डाल सकता है। आप अपने अपने घर से निकल कर आई होगी, सत्य बोलना बिल्कुल, अपने अपने घर से जब तुम आई होगी तो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में देखती हुई आई होगी, कोई दुकान पे बैठी होगी, कोई काम कर रही होगी, कोई झाड़ू लगा रही होगी, कोई दुनिया भर का काम कर रही होगी, कोई कुछ कर रही होगी, पर उसको मालूम है कि कथा चल रही, पर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक ने उसको नहीं बुलाया, उसको वही काम में लगा कर रखा है कि तू तेरे घर को संभालती रहे, और घर में काम करती करती एक दिन मर जा तो छिपछली बन के चिपक जा। भाई बोलो सही है कि गलत है?